और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ सोहेब अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना साधु की टीवी। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा। तो करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए जो भी मैं नई वीडियो अपलोड किया करूँगा वो आपको मिल जाए करेगी। तो चलें आज हम काइंड मास्टर में जो वीडियो अपनी वीडियो के नीचे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट किस तरीके से अपने से टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले हम काइंड मास्टर को ओपन करेंगे, इसमें एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा। ये देखें आपके सामने नया पेज ओपन हो चुका है। हम मीडिया ब्राउज़र पे जहाँ पे ये निशान आ रहा है मीडिया ब्राउज़र पर हम इस वक्त ले कर चलेंगे। ये मीडिया ब्राउज़र पर हम गए। इससे पहले सबसे पहले हमने जो काम करना है वो हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी है। कोई भी किसी किस्म की ब्लैक हो जाए, नीली हो जाए, वाइट हो जाए, जो भी बैकग्राउंड होगी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से वाइट बैकग्राउंड जो कि सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप जो भी दिल चाहे आपका जो भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो सी बैकग्राउंड वाइट सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लेयर में क्लिक करेंगे। लेयर में जाकर हम यहां से फिर बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां से हमने वाइट बैकग्राउंड ली और इसको बड़ा कर दिया। इसको बड़ा करने के बाद ये कैंची के साथ वाला जो निशान है दाएं जानब, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे ऑटोमेटिक आपको वो बता देगा कितना आपने लेयर रखनी है, ऊपर की जानब रखनी है, नीचे की जानब रखनी है, वो आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये इसे सेलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद हम सेलेक्ट करने के बाद इसके पेज पे आ चुके हैं। तो अब हम इसे नीचे की जानब जितनी हमने पट्टी वगैरह रखनी है उतनी हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको इसकी मेन पॉइंट पे जाएंगे और इसको ऊपर करके इस पट्टी को बड़ा कर लेंगे। जितनी ये ऊपर वाली वाइट पट्टी है इसके बराबर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे ओके कर दिया। एग्जांपल लिख लेते हैं, प्लीज सब्सक्राइब, ये हमने लिख लिया माय हमने यहाँ पे इसे लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करके इसको दाएं जानब ले जाएंगे। यहाँ से हमने इसका फॉन्ट स्टाइल सेट कर लेना है। उसके बाद हमने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम इसको अब जो चाबी का निशान आपको नज़र आ रहा है बाएं जानब, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस मेन पॉइंट पर आ जाएंगे, से बाएं जानब लेके चलेंगे। तो हम वापस वहां पे ही क्लिक करते हैं, इसे हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से लेकर दाएं से बाएं जानब इसे लेके चलेंगे। यहां पे जाकर ओके कर देंगे। ये देख सकते हैं कि हमने ये एक बना चुके हैं। तो आपके सामने ये एक पेश करते हैं। ये हमने एक छोटा सा एक मसाल के तौर पर बना चुके हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम जो कि बन चुका है। ये पट्टी वगैरह जो चैनल के नीचे आपने देखा होगा चलती है वो हमने बना ली है। इसके बाद ये जब हम बना लेंगे तो फिर हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे। ओके करके हम यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आएँगे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे MP4 MB की है, हम इसे ये वीडियो हमने जो कि इस वक्त बना चुके हैं। तो ये हम अब किसी दूसरी वीडियो पे अप्लाई करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे क्रोमा की में और MT प्रोजेक्ट में। MT प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमने मीडिया को ओपन करेंगे। मीडिया से हम इस कोई भी एक फ़ाइल ले लेते हैं। यहाँ से मैं एक फ़ाइल उठा के ले लेता हूँ। तो चलिए हम एक फ़ाइल लेते हैं। ये हमने एक फ़ाइल ले ली। फाइल लेने के बाद हम वो प्रोजेक्ट लेंगे जो हमने
पहले तैयार कर चुके हैं। तो चलिए हम लेयर पे क्लिक करते हैं और मीडिया पे गए। मीडिया पे जाने के बाद हम यहाँ से वो वीडियो ले लेंगे। तो हम इसको बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद क्रोमा की पे जाएंगे। क्रोमा की पे जाने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसकी सेटिंग कर लेंगे। मैं अक्सर 56 पे करने के बाद हम इस वीडियो को अब चलाएंगे। तो मैं 66 पे ही ये वीडियो चलाता हूँ। तो आप देख लें कि ये कैसे वो नीचे आपको नज़र आएगा कि हमने कैसे वो वीडियो को बनाया है। आप देख सकते हैं ये कि ये इस वक्त ये नीचे ये वीडियो चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो बन चुकी है और हमारा ये एमटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो दुआ कर उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और मेरी जो भी नई वीडियो मैं बनाया करूं, प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और दूसरे दोस्तों में ग्रुप वगैरह में शेयर भी करना है। अस्सलामुअलैकुम।